हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th. आई वाज टेलिंग द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. क्वेश्चन एंड आंसर द वीडियो 3 ऑफ द चैप्टर. तो लेट अस स्टार्ट द विच क्वेश्चन टुडे वी आर गोइंग टू टेल यू. क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस इज नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशियंट इन टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम. नेपोलियन के द्वारा कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी सिस्टम ज्यादा प्रभावशाली थी अपने क्षेत्र में जो उसने रूल किए थे जिनमें, यानी नेपोलियन के द्वारा कौन कौन से प्रशासनिक सिस्टम जो था उसमें इफिशियंट प्रभावशाली थे उसके क्षेत्र में जिसमें उन्होंने रूल किया था. तो एज वी नो दैट कि नेपोलियन के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा है, तो लेट अस स्टार्ट. तो आंसर लिखेंगे आप इसका, टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशियंट. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मोर इफिशियंट बनाने के लिए इन टेरिटरीज में जिसमें उसने रूल किया था नेपोलियन इंट्रोड्यूस फॉलोइंग चेंजेस. नेपोलियन ने कुछ निम्न बदलाव किए अपने टेरिटरीज में जो उसने जीते थे, जो टेरिटरीज या जिन टेरिटरीज में वो रूल किया करता था उसमें उसने एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर काफी चेंजेस किए. वो क्या थे तो हम लिखेंगे. एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. He had incorporated revolutionary principle, क्रांतिकारी सिद्धांत जो थे उसने अपने प्रशासन में लागू किए in order to make the administrative system more rational and efficient. ज्यादा rational और ज्यादा efficient बनाया उसने प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक सिस्टम था उसमें उसने काफी efficient किया. Number 2, ही हैड इनकॉर्पोरेट जो था जो रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल ने सुधार किए. Number 2 था ही इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड इन 1804 जिसे हम सिविल कोड भी बोलते हैं. उसने 1804 में ही इंट्रोड्यूस नेपोलियन कोड लागू किया था विच डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जिसमें जन्म के आधार पर जितने अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए गए इस नेपोलियनिक व्यवस्था के तहत, कोर्ट के तहत. जितने को भी जो पादरी लोग थे, बिशप्स थे या क्लर्गी मैन थे या और जो नोवेल्स लोग थे उनको जो जन्म से अधिकार थे, विशेष अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया. Number 3 है ही एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ. बहुत अच्छा पॉइंट है. जैसे रिच और पुअर में डिस्क्रिमिनेशन होता था लेकिन बाद में नेपोलियन कोड लागू करने से कानून के समक्ष समानता आई गई, इक्वलिटी दी गई वहां पर, फ्रीडम दी गई वहां पर लोगों को, कानून के समक्ष समानता मिली एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी. बहुत अच्छा पॉइंट है. और इसके साथ उसको सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार दिया गया किसी व्यक्ति को, अपने उससे कितनी भी संपत्ति को गेन करने का अधिकार मिला. नेक्स्ट पॉइंट था ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन था, प्रशासनिक जो विभाजन था उसके तहत एबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम को समाप्त कर दिया. अब फ्यूडल सिस्टम मैंने आपको बताया था जिसमें सामंती प्रथा होती थी, जो जमींदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे उन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी. ये जमीन किसको देते थे, वो जो लैंडलेस लेबर थे या पुअर जो पीजेंट्स थे उनको दे देते थे खेती करने के लिए और उसके बदले में रेंट लेते थे और इसके बदले में उनको पुअर पीजेंट्स को इन लैंडलॉर्ड्स के खेतों में काम करना पड़ता था. तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम और मुक्त कराया बंधुआ मजदूरी से किसानों को मुक्त कराया, सामंती प्रथा से मुक्त किया एंड मैनुअल ड्यूज जो थे उन दौरान बहुत सारे ड्यूज रिवेन्यू कलेक्शंस में बहुत ज्यादा इनको दूसरों से लैंडलॉर्ड जमींदारों से कर्ज लेके खेती करनी पड़ती थी जिसका वो रेवेन्यू नहीं चुका पाते, तो बहुत सारे मैनुअल ड्यूज थे उसको सब समाप्त कर दिया गया. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया और किसानों को बंधुआ मजदूर से मुक्त कराया और मैनुअल ड्यूज से भी मुक्त कराया. अगला पॉइंट है ही लेड स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर. उसने सबसे ज्यादा दबाव किसमें डाला, फोकस किसमें किया,
इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश के जो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, यातायात व्यवस्था, कम्युनिकेशन वगैरह जो थी उसकी, एंड बैंकिंग सिस्टम। इसने बैंक ऑफ फ्रांस करके एक बैंक खोला था वहां पर, बैंकिंग सिस्टम को भी सुधार किया, इससे देश की इकोनॉमी में भी काफी सुधार आया। अगला उसने जो सुधार किया, ही स्टैंडर्डाइज वेट एंड मीजर्स, जो भार और माप तोल प्रणाली थी उसको सुधार किया, उसको इंट्रोड्यूस कराया, एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और पूरे देश में एक कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस की, ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, व्यापार के लिए, क्योंकि वहां पर जो कृषक वर्ग थे या मिडिल क्लास मैन थे या छोटे प्रोड्यूसर थे, उन सब लोगों ने इस तरह की जो फ्रीडम मिली, उन आजादी को उन्होंने इंजॉय किया। इससे पहले तो उन्होंने इस तरह की आजादी कभी देखी नहीं थी नेपोलियन के राज में। चलो इतने सारे चेंजेस आए, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें या पॉलिटिकल की बात करें, उसने काफी चेंजेस किए वाकई में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं बेटा, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जो जर्मन यूनिफिकेशन था उसके जो प्रक्रिया थी कैसे हुई, वो जर्मन का यूनिफिकेशन किस किस तरीके से हुआ। तो नंबर वन है इसका, हमने जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, इटली यूनिफिकेशन हमने पढ़ा। इन 1848 में तो मिडिल क्लास सिटीजन्स थे जर्मनी के, ट्राई टू यूनाइट डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन। जो अलग अलग जर्मन कॉन्फेडरेशन था अलग अलग रीजन के, वो यूनाइट हुए नेशन स्टेट बनाने के लिए, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किए जाते थे। क्योंकि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था उसमें पीपल्स के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे, उसके लिए इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा गवर्न किया जाता था। लिबरल इनिशिएटिव्स जो थे, उदारवादी जो शुरुआती जो था इनिशिएटिव पे, नेशनल बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाई कंबाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की। लिबरल्स लोगों को जो दबाव पड़ा लिबरल्स पर, जो नेशन बिल्डिंग्स के लिए राष्ट्र के निर्माता के रूप में बनाना चाह रहे थे, वाज हाउएवर रिप्रेस्ड, उनको रिप्रेस किया गया किसके द्वारा, मोनार्की और मिलिट्री के द्वारा, और लार्ज लैंड ओनर्स ने भी उनका सपोर्ट किया था, इसके लिए लिबरल्स लोगों को सप्रेस किया गया। प्रशिया टुक ऑन लीडरशिप, और इस सब में प्रशिया को लीडरशिप मिली इस मूवमेंट के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन जर्मन का यूनिफिकेशन, क्योंकि जर्मन पर्शिया भी जर्मन का एक भाग था, जैसे इटली में 7 में बटा था ना 7 राज्यों में, ऐसे ही पर्शिया भी जर्मन का एक हिस्सा था। तो पर्शिया को इसकी लीडरशिप मिली इस मूवमेंट में नेशनल यूनिफिकेशन करने की जर्मनी को। जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, हम जानते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो बिस्मार्क कहला, बिस्मार्क काफी फेमस सेनापति था, ये चीफ मिनिस्टर था, वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इसका आर्किटेक्ट था, एंड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी की मदद से, और ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही जो उच्च कुल के जो लोग थे उन लोगों की मदद से उसने इसका मोर्चा संभाला। 7 सालों में 3 युद्ध लड़े गए ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इस युद्ध का अंत एंडेड इन पर्शिया विक्ट्री के साथ हुआ, एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और इस तरह से जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस हुई थी फाइनली वो पूरी हुई। और जर्मन को यूनिफिकेशन के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था उसका रोल हम भूल नहीं सकते, उसका जो कंट्रीब्यूशंस था, उसका जो डेडिकेशंस था, जैसे वो चीफ मिनिस्टर था तो फाइनली और इम्पोर्टेंट उसने किया देश के लिए। और किस तरह से हमने आपको बताया कि जो डिफरेंट रीजन्स थे जर्मन कॉन्फेडरेशंस के नेशन स्टेट्स के रूप में, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्स चाहते थे, और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो जर्मन के यूनिफिकेशन की प्रक्रिया थी और फाइनली जर्मन का यूनिफिकेशन किया गया। और जनवरी 187 को जो पर्शिया का किंग था विलियम फर्स्ट, याद रखिएगा, उसी का सेनापति हुआ करता था, यानी मंत्री चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, कौन, बिस्मार्क। तो विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर डिक्लेयर किया गया वर्सेलिस की सेरेमनी में,
वर्सलीज में एक सेरेमनी हुई जिसमें विलियम फर्स्ट को जर्मन का एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे इटली का एम्परर एम्यूनुएल सेकंड को डिक्लेयर किया था, याद होगा आपको, उसी तरह से जर्मन का एम्परर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था। इस तरीके से आई टॉट यू द टू क्वेश्चंस हियर, आई होप यू हैव रिटर्न। फर्स्टली दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, यू विल राइट इन योर कॉपी। थैंक यू।